पास गाड़ी हो, तो हमें किड स्टॉक क्यों देना चाहिए? देखिए मैं, लोग बच्चों को जैसे ही बच्चा ग्रोथ होता है तो सो कॉल्ड मॉडर्न हम लोग हो जाते हैं। मॉडर्न में हम लोग तो ऐड देखे, ऐड देख के तो मॉडर्न हो ही गए हैं। अब उसमें हमने देखा है टीवी में बच्चों को क्या क्या खिलाते रहते, तो हमें सोचता बच्चों को हम भी वही खिलाएंगे तो बड़ा हेल्दी रहेगा, लेकिन एक्चुअली में क्या सही है? हमें बच्चों के नेचुरल प्रोसेस को डेवलप करना है कि वो खुद झगड़ा करके मांग के खाना खाए कि मुझे भूख लगी है, लेकिन जबरदस्ती खिलाना दैट्स नॉट राइट। और वो भी कौन सी चीजें क्यों खिलाना भाई, जब नेचुरल दाल चावल जो हम खा रहे हैं बच्चे भी खा सकते हैं जब खाने की उम्र में आ जाते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि बच्चे खाना ही नहीं चाहते क्योंकि उनका ग्रोथ उस तरह से नहीं रहता और उनका जो भूख है वो बढ़ नहीं पाता, इसके वजह से ये सारी दिक्कत रहती है। हार्मोन डेवलप नहीं होता, डाइजेशन सही नहीं रहता है, तो ये सारी दिक्कत होती है, नंबर वन प्रॉब्लम है। दूसरी जो प्रॉब्लम है, आजकल आपने किसी ने ऑटिज्म के बारे में सुना है? क्या कोई यहाँ पे है ऑटिज्म के बारे में सुना है? ऑटिज्म आज के समय में ज्यादा दिख रहा है। पहले ऑटिज्म कहाँ था भाई? पहले इसलिए ऑटिज्म नहीं था कि जो बच्चों की मम्मी लोग होती थी वो ध्यान रखती थी, वो गर्भवती होती थी। आजकल क्या है, मैक्सिमम मदर के केस में आपका बी कॉम्प्लेक्स की कमी है, ओमेगा की कमी है, फोलिक एसिड की कमी है, तो बच्चों का ब्रेन विकास ही नहीं होगा, तो उनको ऑटिज्म तो होना ही है पैदा होने के बाद। और यही कारण होता है कि आजकल जो बच्चे हैं कि उनका मेंटल स्ट्रेंथ थोड़ा वीक रह रहा है और धीरे धीरे जो लर्निंग पावर है थोड़ा स्लो रह रहा है, और जब तक वो एक्टिवेट नहीं होगा तब तक हम बच्चों को कितना भी टॉर्चर करें कुछ नहीं होने वाला। तो किड्स टॉक रस जो है इसमें आपका ब्राह्मी संपुष्टी बच्चों के मेंटल विकास के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होता है, याददाश्त को सही रखना, ग्रोथ को बढ़ाना, सेल्स को इम्प्रूव करना। उसके बाद इसमें तुलसी, सुंधी, काली मिर्च बच्चों के कफ को कंट्रोल करना, सर्दी जुखाम खांसी, इसमें आपका सौंफ पान का पत्ता है, एक्चुअली बच्चों को भूख से सही भूख लगाना, ग्रोथ को बढ़ाना, खाना ठीक से खाएंगे, खाना ठीक से पचेगा, ये सारी दिक्कत। अश्वगंधा है जो कि अनिद्रा वगैरह को थोड़ा दूर करेगा, ताकत को भी डेवलप करेगा। तो ये है किड्स टॉक रस। तो जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम है बोलने में, सीखने में, कह लीजिए कि चलने में, फिरने में, छोटे बच्चे हैं 6 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चों को 5 ml, 5 से लेके 10 साल के बच्चों को 10 ml, और ये सबके लिए होता है। दिक्कत है तो अच्छी बात है, दिक्कत है तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन दिक्कत नहीं भी है तो हर बच्चों की फिर भी जरूरत है, और देने का तरीका देख लीजिए। उसके बाद यदि किसी बच्चों को आंखों की कमजोरी हो, चश्मे छोटे उम्र में ही चश्मे लग जा रहे हैं, तो उस केस में क्या करेंगे? आई ड्रॉप आप एक ड्रॉप सुबह, एक ड्रॉप शाम को बच्चों में की आंखों में डालिए और साथ में किड्स टॉक रस ले लीजिए, तो दैट इज ओके। तो ये हमारे बच्चों का प्रोडक्ट है किड्स टॉक रस, आयुष सर्टिफाइड है, ये आप देख लीजिए। इसके बाद